नमस्कार, मैं नीति सेन। सिंगू बॉर्डर पर किसानों के हौसले अफजाई और समर्थन के लिए हिसार से दर्जन भर से अधिक महिलाएं पहुंची हैं। यह महिलाएं यहां आकर मोदी सरकार को अपने तरीके से आगाह कर रही हैं कि किसानों की एकता और अखंडता को समझते हुए हमारी मांगे पूरी की जाएं, वरना यह आंदोलन लगातार लंबा चलेगा और आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा बीजेपी और मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा। तब मौजूद हैं दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर और हरियाणा से जो महिलाएं हैं वो इस आंदोलन में शामिल हुई हैं और लोकगीत गाकर यहां पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। बात करते हैं, कहां से आए हैं? हमें आया है सार जिला बैडोपट्टी टोल बिचपड़ी सरोज। अच्छा, बिहार। तो कहां से कितनी महिलाएं आई आपके साथ? हम 20 जनी आए यहाँ। जो आप गीत गा रहे थे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम धरना पर बैठे हैं, किसान नु कदे भी थारा घरा काम कूड़ करेगा, सासु ससुर ने कौन रखेगा, देवर जेठ ने कौन रखेगा, धार कौन काटेगा, तो हम इसलिए न्यू बता रहे हमारे ये काम करांगे। हम आन के धरना टेक लिया साल भर हो गया। तो आगे क्या रहेगा आज की जो आज क्या रहेगा आज, क्योंकि आज 4 तारीख है और 4 तारीख के लिए कई बार आह्वान किया गया कि आज आंदोलन वापस हो सकता है? आज नहीं हो सकता, मुश्किल है। फिर हम इतना जावा नहीं गया, हम दिल्ली में हटके धरना न्यू लगाएंगे, न्यू टोल पर लगाएंगे। अच्छा, जो हमारे कानून ऑफिस देगा जब उठाएंगे तो नहीं उठाएंगे। सारा नहीं धंधा, सारा हमारा चुकती पाई नहीं धंधा, इतना में उठते कोई नहीं। अपने और छोटे काम कौन मिलता, कौन सी काम नहीं मिलता हमारे छोटे हैं, और मेरे छोटे काम कौन मिलता, और हमारा पानी नहीं आता पीने भी, हमारा जमा सरसोज भी छुड़ी में जमा टोका पानी का है, पानी भी नहीं देती सरकार, हमने टोल से टोल लगा दी, हमारी जगह रोक ली। तो कहीं ना कहीं जो है ये आंदोलन और भी तेज हो सकता है, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि आज ये आंदोलन वापस नहीं हो सकता। जाएंगे नहीं, हमें उठ दे कोई नहीं जी, हमारा सारा दे देगा जो मांग सा है, हमें उठ लेंगे नहीं, हमें उठ दे नहीं, जो हमारे पकड़ रखे रो रही थी सायरन छुटाऊ। जो किसान इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए हैं सभी की रिहाई की मांग भी यहाँ से की जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि आंदोलन और कितना तेज होगा या फिर धीरे धीरे ये आंदोलन अब खत्म होगा। अभी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है, उसके बैठक के बाद आज फैसला लिया जाएगा। दिल्ली से नीति सेन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।